मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद अब सियासी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के क्या कुछ फैसले होंगे अब इन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मालूम हो कि 10 अक्टूबर की सुबह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी ने अंतिम सांसें ली। बीते लंबे वक्त से वह कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे और उन्हीं गंभीर बीमारियों के चलते नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। नेताजी जिन्होंने राजनीति की दुनिया में एक अलग ही पहचान बना रखी थी। नेताजी का यूं चले जाना, उनका यूं अचानक निधन हो जाना देश के लिए किसी भारी नुकसान से कम नहीं रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने दुख को जाहिर किया, तो वहीं अब यहाँ पर विपक्ष सियासी समीकरण बनाते हुए भी दिखाई दे रहा है। यादव परिवार के सामने इस वक्त तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं और ऐसे में यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी सीट के लिए क्या कुछ अहम फैसला लेंगे। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उन लोकसभा चुनाव में क्या वह अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतारेंगे या फिर अखिलेश यादव मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतार सकते हैं। फिलहाल ये कयास लगातार देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बीच यहाँ पर तमाम राज भी खुल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जिन्होंने ना सिर्फ अपने दोनों ही बेटों पर अहम फैसले लिए बल्कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया अपनी दोनों ही बहुओं को, डिंपल यादव और अपर्णा विष्ट यादव को। लेकिन अखिलेश यादव के फैसले किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के फैसलों पर देखने को मिले हैं, दरअसल आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। आज हम अखिलेश यादव के एक पुराने इंटरव्यू के बारे में, जब लोकसभा चुनाव को लेकर डिंपल यादव को लेकर बात की गई थी, लेकिन अपर्णा विष्ट यादव को लेकर भी बात की गई जब यहां पर बात आई थी कि टिकट किसे दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि साल 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए और साल 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उस दौरान डिंपल यादव हर कदम पर अपने पति अखिलेश यादव के साथ नजर आई, रैलियां करती हुई दिखाई दी, स्टार प्रचारक के तौर पर वह नजर आई। लेकिन जब यहां पर अखिलेश यादव से पूछा गया कि आखिरकार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने डिंपल यादव को आगे क्यों नहीं किया, दरअसल आपको बता दें कि उस वक्त अखिलेश यादव ने बताया कि डिंपल यादव को टिकट नहीं दिए जाने का फैसला हुआ और ये फैसला नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के साथ बैठकर किया गया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अपर्णा विष्ट यादव उनके पास लखनऊ कैंट का टिकट मांगने आई थी, जवाब में अखिलेश ने कहा कि उनके पिता और उन्होंने तय किया था कि परिवार के कम से कम सदस्य चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वाभाविक सी बात है कि जब घर से कम लोगों को चुनाव लड़वाने का फैसला हुआ तो टिकट तो काटना ही था। नेताजी के साथ ये पार्टी ने तय किया कि परिवारवाद को बढ़ावा ना मिले और उनकी कोशिशें रहेंगी कि ज्यादा लोग परिवार से चुनाव ना लड़े, और इसी वजह से सिर्फ और सिर्फ आगे किया गया था अपर्णा विष्ट यादव को लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि उन्होंने हार का सामना किया और दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी कन्नौज सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्होंने भी हार का सामना किया। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार साल 2024 में डिंपल यादव को मैदान में उतारेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आजमगढ़ सीट से डिंपल यादव को मैदान में क्यों नहीं उतारा गया, उस वक्त अखिलेश यादव कहा कि मैं जो चाहूं साल 2024 में किसी से भी चुनाव लड़वा सकता हूं। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि अपर्णा विष्ट यादव तो बीजेपी का हिस्सा है, अब यहां पर अखिलेश यादव डिंपल को मैनपुरी सीट से उतारेंगे, जो सीट खाली पड़ी हुई है नेताजी के गुजर जाने के बाद, जिस सीट से नेताजी कई बार सांसद रहे, अब ऐसे में उस सीट से डिंपल को उतारा जाएगा या फिर साल 2024 में लोकसभा चुनाव में डिंपल को मैदान में उतारा जाएगा। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।